नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ कंचन भारद्वाज और आप देख रहे हैं जीवन कोश। दोस्तों, हमारी रसोई में स्वाद से लेकर सेहत का खजाना छुपा होता है। यहाँ के छोटे छोटे मसाले न सिर्फ स्वाद का तड़का लगाते हैं बल्कि इनमें कई सारे हेल्थ बेनिफिट्स भी होते हैं। उन्हीं में से है गोंद और गोंद का तीरा। जी हाँ, गोंद के बारे में तो आप जानते होंगे क्योंकि सर्दियों में अक्सर नानी दादी और हमारी माएं गोंद के लड्डू बनाती हैं ताकि हमें सर्दी ना लग सके और हमारे शरीर में गर्माहट बनी रहे। लेकिन गोंद कतीरा के बारे में हर कोई नहीं जानता और ना ही इसके फायदे जानता है और ना ही इन दोनों में फर्क जानता है। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे कि गोंद और गोंद कतीरा में आखिर फर्क क्या है और साथ ही आपको बताएंगे कि इनके फायदे क्या क्या हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं इन दोनों में अंतर क्या क्या है। दोस्तों, दोनों का साइज लगभग सेम ही होता है लेकिन गोंद कतीरा हल्का सफेद पीले रंग का होता है जबकि गोंद हल्का भूरा और चमकदार होता है। गोंद कतीरा में पानी डालने पर वो फूल कर क्रिस्टल की तरह हो जाता है जबकि गोंद में पानी डालने पर वो पूरी तरह से घुल जाता है। गोंद कतीरा की तासीर ठंडी होती है जबकि गोंद की तासीर गर्म होती है। गोंद कतीरा का सेवन गर्मियों में किया जाता है जबकि गोंद का सेवन ठंडी के मौसम में किया जाता है। अब सवाल यहाँ ये उठता है कि गोंद कतीरा हमें कहाँ से मिलेगा। दोस्तों, जहाँ से आप गोंद खरीदते हैं यानी कि पंसारी की दुकान, ग्रोसरी शॉप, परचून की दुकान, वहां से आपको गोंद कतीरा भी इजिली मिल जाएगा। दोस्तों, गोंद कतीरा पेड़ों से निकलने वाला एक चिपचिपा पदार्थ होता है जो गोंद का ही एक प्रकार होता है जिसमें कोई रंग या स्वाद नहीं होता। आपको बता दें, गोंद कतीरा गोंद के लिक्विड को सुखाकर बनाया गया एक सूखा पदार्थ है। इसे घरों में अक्सर इस्तेमाल किया जाता है। इसे स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद भी माना जाता है। तो चलिए आपको अब बताते हैं गोंद कतीरा के फायदे क्या क्या हैं। गोंद कतीरा में प्रोटीन और फोलिक एसिड भरपूर पाया जाता है। इसके सेवन से शरीर को ताकत मिलती है। बस आपको करना ये है कि 20 से 30 ग्राम गोंद कतीरा लेना है। इसे पानी या दूध में भिगोकर रखें और फिर सुबह मिश्री मिलाकर शरबत बनाकर पी लें। दोस्तों, अगर किसी महिला के पीरियड्स नियमित नहीं है यानी रेगुलर नहीं है तो गोंद कतीरा और मिश्री को साथ में पीस लें और एक ग्लास दूध में 2 चम्मच ये मिक्सचर मिलाएं और इसको पी लें। आप देखेंगे कि कुछ ही महीनों में आपके पीरियड्स रेगुलर होने लगेंगे। वैसे आपको बता दें, गोंद कतीरा शरीर में टॉक्सिक को बाहर निकालने में भी काफी मदद करता है। इसके साथ ही ये मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है। इसमें हाई फाइबर कंटेंट मौजूद होता है। इसके अलावा ये पेट और पाचन तंत्र में भी सुधार करने के लिए जाना जाता है। इसके नियमित सेवन से शरीर पर जमा एक्स्ट्रा फैट भी घटता है। बस आपको करना ये है, 10 से 20 ग्राम गोंद कतीरा आपको रात में भिगोकर रखना है। इसके बाद आपको इसे एक ग्लास पानी में मिलाना है और अगर आप हल्का सा मीठा लेना चाहते हैं तो आप इसमें शहद डाल सकते हैं और इसे मिक्स करके आपको नियमित रूप से पीना है। आप देखेंगे कि आपका पेट में जो एक्स्ट्रा फैट जमा है वो धीरे धीरे घट जाएगा। गोंद कतीरे के सेवन से पुरुषों में सेक्सुअल पावर और इच्छा बढ़ती है। इसके रेगुलर सेवन से इरेक्टाइल डिसफंक्शन और नाइटफॉल की समस्या भी दूर होती है। कुछ लोग टॉन्सिल की वजह से नियमित रूप से परेशान रहते हैं, ऐसे में गोंद कतीरा का सेवन आराम पहुंचाता है। इसमें हरी धनिया की पत्ती का रस मिलाकर नियमित रूप से गले पर लगाना टॉन्सिल के दर्द में काफ़ी ज़्यादा आराम देता है। इसके अलावा आप लगभग 10 से 20 ग्राम गोंद कतीरा पानी में भिगोकर फुला लें और इसे मिश्री मिलाकर सुबह शाम पिएं। इससे भी टॉन्सिल्स में आराम मिलता है। दोस्तों, मुंह के छाले बहुत ज्यादा दर्द देते हैं, कुछ खाया नहीं जाता, पिया नहीं जाता, सूजन आ जाती है, ऐसे में आप गोंद कतीरे का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको करना ये है कि गोंद कतीरा बारीक पीसना है यानी पेस्ट बनाना है और अपने छालों पर इसे लगाना है। ऐसा करने से छालों में तुरंत आराम मिलेगा। वैसे दोस्तों, आपको यहाँ बताना जरूरी है कि गोंद कतीरा का फायदा तो बहुत है लेकिन इसके साइड इफेक्ट्स भी हैं। गोंद कतीरा का सेवन करने से पहले अपने शरीर को हाइड्रेट रखना बहुत जरूरी है। इससे नसें और आंतें ब्लॉक होने से बचेंगी।
प्रेग्नेंट और ब्रेस्ट फीडिंग कराने वाली माएँ इसका सेवन करने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह ज़रूर लें। साथ ही ये उन लोगों के लिए ज़्यादा समस्या पैदा कर सकता है जिन लोगों को कीवलिया की छाल से एलर्जी है, इसलिए इसका सेवन करने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह ज़रूर लें। और दोस्तों, रही गोंद की बात, सर्दियों के मौसम में गोंद का सेवन काफ़ी फायदेमंद माना गया है। इसके सेवन से शरीर में गर्माहट तो पहुंचती ही है, साथ ही इसमें एंटीऑक्सीडेंट होते हैं तो हमें वायरल इन्फेक्शन और बैक्टीरियल इन्फेक्शन से ये बचाता भी है। आपको बता दें, गोंद में प्रोटीन, फाइबर, वाइटमिन जैसे तत्व पाए जाते हैं। गोंद का सेवन करने के लिए आप इसका कई तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसके लड्डू बनाकर खा सकते हैं या फिर भुनी हुई गोंद का सेवन भी कर सकते हैं। आपको इससे एनर्जी तो मिलेगी ही, साथ ही इसका स्वाद भी लाजवाब होता है। आपको अगर जोड़ों में दर्द रहता है तो आप गोंद के लड्डू अगर एक दूध के साथ रोज खाएं तो ये आपको बहुत फायदा देगा। वहीं आपकी इम्यूनिटी भी बढ़ेगी। गर्भवती महिला को तो गोंद के लड्डू खाने की सलाह दी जाती है क्योंकि इससे हड्डियां तो मजबूत होती ही है, साथ ही ये शिशु के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होता है। अगर एनीमिया की शिकायत हो तो आप गोंद को अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। साथ ही अगर आपको अपने दिल को मजबूत रखना है तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों, ऐसे कई फायदे हैं जो गोंद के हैं। लेकिन दोस्तों, आज के हमारे वीडियो में हमारा मकसद था आपको गोंद और गोंद कतीरे का अंतर बताना, जो कि हमने बताया। फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही, लेकिन ऐसे ही कई अन्य वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।